दतिया से जनता का रिपोर्ट कार्ड बेहद चौंकाने वाला है। बीजेपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को जनता के रिपोर्ट कार्ड में जनता ने फेल कर दिया है। भारतीय राजेंद्र कांग्रेस प्रत्याशी पास हो चुके हैं, दतिया से भाजपा प्रत्याशी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जनता के रिपोर्ट कार्ड में फेल हुए। बहुत बड़ी हार है ये नरोत्तम मिश्रा के लिए और ये हार भारतीय जनता पार्टी को बहुत चुभने वाली है। लगातार इस तरह की खबरें दतिया से सामने आ भी रही थी कि वहां पर नरोत्तम मिश्रा को चुनाव में मुश्किल हो सकती है। हालांकि क्या नरोत्तम मिश्रा हार जाएंगे ये शायद उन्होंने खुद भी नहीं सोचा होगा। ये बहुत बड़ा झटका है पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए और भारतीय राजेंद्र ने दतिया में कांग्रेस का परचम लहरा दिया है। बिल्कुल, संसदीय कार्य मंत्री गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अपनी बेवाकी के लिए जाने जाते हैं, बेवाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, रोज ब्रीफिंग देते थे प्रेस को और ऐसे ऐसे मुद्दे उठाते थे जिसपे पूरी देश दुनिया में चर्चाएं होती थी। ऐसे नेता का हार जाना बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। बीजेपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को जनता ने अपने रिपोर्ट कार्ड में फेल कर दिया है। भारतीय राजेंद्र को कांग्रेस से 48,709 वोट मिले हैं, वहीं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को 41,223 वोट मिले हैं। बहुत बड़ी हार है, बहुत बड़ी हार है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा वो नेता है जो हर मुद्दे पर बोलते हुए नजर आते थे और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो उन्हें एक बार समझाना भी पड़ा था। ये हार वाकई में नरोत्तम मिश्रा की राजनीति के लिए गहरा दाग बन सकती है। बेहद महंगा पड़ा, लेकिन बेहद बड़ा झटका भी कहा जा सकता है। बीजेपी के लिए भी बड़ा झटका है और नरोत्तम मिश्रा के खुद के लिए तो बड़ा झटका है ही। एक तरफ तो वो अपने बेटे को प्रोजेक्ट कर रहे थे, अपने भतीजे को प्रोजेक्ट कर रहे थे, राजनीति में लाने की पूरी तैयारी थी, वहीं अब वो खुद चुनाव हार गए हैं, जनता के रिपोर्ट कार्ड में वो फेल हो चुके हैं। भारती राजेंद्र कांग्रेस प्रत्याशी पास हुए हैं, नरोत्तम मिश्रा प्रदेश के गृह मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड फेल का आना बेहद डरावना और चौंकाने वाला है। जी हाँ, जुड़े रहिए हमारे साथ और जनता के रिपोर्ट कार्ड। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।